हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन एनआईटी परिसर में किया गया। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 229 मेधावी छात्रों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया, जिसमें 22 को स्वर्ण, 21 को रजत पदक से नवाजा गया तो स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों की 28 छात्राओं को भी डिग्रियां बांटी गयी। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर, डीसी देवश्वेता बनिक, एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन के अलावा विश्वविद्यालय के बीसी प्रोफेसर एसपी बंसल भी मौजूद रहे। बंडारू दत्तात्रेय ने मेधावी छात्रों को बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई सतत प्रणाली से छात्रों को बदलती आर्थिक व्यवस्था व तकनीक को जानने में सहयोग मिला है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि छात्र अपने शिक्षकों व माता पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए समाज व देश प्रदेश की उन्नति के लिए काम करें। स्वयं आप आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह के आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्राप्त करने वाले सभी 250 विद्यार्थियों पदक विजेताओं को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपने उपलब्धि में प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमशीलता और सतत कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप समाज व अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक चुनौतियों का हल खोजने में भी विश्वविद्यालय अग्रणी रहा है। यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। यहाँ तक पहुंचने में समाज ने, शिक्षकों ने, आपके माता पिता ने आपको जो समर्थन और सहयोग दिया है, उसे ध्यान से रखते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आज के चुनौती युग में आगे पढ़ने के लिए छात्रों को नई तकनीक को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार युवाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रयासरत है और स्वरोजगार के मौके उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है, जिसका लाभ लेने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से रोजगार का पीछा करने की जगह रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। परिवर्तन के इस दौरे में अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखना एक चुनौती भी है और अवसर भी है। सदैव नया जानने और सीखने वाला व्यक्ति ही हम दौर की आम दौर की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होगा। इसलिए आपने भीतर जिज्ञासा की अग्नि कभी शांत नहीं होनी चाहिए, ताकि सीखने का क्रम निरंतर चलता रहे। उत्साह और सतर्कता के साथ अपने ज्ञान, कौशल और बुद्धि का सदा विकास करने वाले व्यक्ति के लिए आज अपार अवसर भी उपलब्ध है। केवल अपने कौशल के बल पर आधुनिक तकनीकी के जरिए अनेक भारतीय युवाओं ने विश्वस्तरीय सफलताएं अर्जित की है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इन अवसरों का समुचित उपयोग करते हुए आप जैसे विद्यार्थी नौकरी ढूंढने वाले नहीं, अपितु नौकरी देने वाले हो सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में विषम परिस्थितियों के बावजूद विश्वविद्यालय ने छात्र हित में ऑनलाइन व डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, उसके लिए प्रशासन बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं से देश की प्रगति के लिए नई तकनीक विकसित करने की बात कही है। विशेष करके जो विद्यार्थी आप लोग हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है। टेक्नोलॉजी विल चेंज द लाइफ, टेक्नोलॉजी
will change the shape of the country. That's why technology always is coming in new form. इसलिए आप भी जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश को और आपके जीवन को भी सतर्क बनाने में आप आगे हैं, ऐसा मेरा प्रार्थना भी है। कोविड-19 की परिस्थिति में आप लोगों ने देखा परिस्थितियां कैसे रहे, लेकिन इस चैलेंज में भी एक अवसर का रूप लेकर, एक अवसर का जो है प्रदान करते हुए हमारे देश में जो ऑनलाइन एजुकेशन का, डिजिटल एजुकेशन का जो नया तरीका अपनाकर उस चरण को स्वीकार करके सफल बनाने में आगे आने वाले सभी लोगों। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के मुख्य परिसर में राज्यपाल ने छात्रावास की आधारशिला रखने के अलावा पौधारोपण किया। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन का निरीक्षण भी किया और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।